नमस्कार दोस्तों, आपकी खबर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर। शेखर सुमन ने राजू श्रीवास्तव की सेहत पर किया बड़ा खुलासा, कहा 15 दिन पहले ही। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बीते कुछ दिनों से अपनी सेहत को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही राजू अस्पताल में भर्ती हैं। अभिनेता हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद से ही फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इसी क्रम में अब उनके परिवार और करीबी लोग लगातार कॉमेडियन की हेल्थ अपडेट्स देते रहते हैं। इसी बीच अब अभिनेता शेखर सुमन ने राजू श्रीवास्तव को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। शेखर ने बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही राजू को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी थी। शेखर ने कहा है कि 15 दिन पहले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के सेट पर आए थे। इस दौरान उनकी राजू श्रीवास्तव से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राजू श्रीवास्तव को अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए कहा था। हाल ही एक इंटरव्यू में शेखर ने बताया कि हम दोनों ने वैनिटी वैन में काफी समय तक बातचीत की। राजू देखने में काफी कमजोर लग रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर शेखर ने उन्हें सलाह दी थी कि वे ज्यादा परेशान ना हों। शेखर सुमन ने आगे बताया कि इसी बातचीत के दौरान उन्होंने राजू को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा था। इस पर राजू श्रीवास्तव ने जवाब में कहा था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है और वह पूरी तरह से ठीक है। लेकिन इसके ठीक 15 दिनों बाद ही राजू श्रीवास्तव को अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली। इस दौरान शेखर सुमन ने यह भी बताया कि वह राजू को करीब 25 सालों से जानते हैं। दोनों रिपोर्टर नाम के एक शो में साथ काम कर चुके हैं। उनके फैंस लगातार उनके लिए दुआ कर रहे हैं और वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं उनके परिवार वालों के संपर्क में हूँ। बता दें कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि वह अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं। कॉमेडियन का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव को पूरी तरह से होश में आने के लिए अभी एक हफ्ते का और समय लग सकता है। उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। गौरतलब है कि 10 अगस्त को कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिम करते समय अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्द ही ठीक होकर अपने घर वापस हो जाए। और आप भी अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। धन्यवाद।